पिछले बजट में 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछले बजट में आपने एलोकेशन दिया था कि नहीं दिया था, पूछिए। क्यों ठगते हैं, क्यों ठगा आपने लोगों को, आपने बेवकूफ बनाया आपने लोगों को, बात करते उल्टा पुल्टा। अभी हम लोग देखिए सबको दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, हर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो, अभी हम लोगों ने सबकी नियुक्ति हम लोग बौछार कर रहे हैं, नौकरी का हम अंबार कर रहे हैं। अब बात करते हैं, आप दलित है सब, हर चीज दलित मंजूर कीजिए, बता दे रहे हैं। पर ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, कहां नौकरी का बंपार कर दीजिए, कितना नौकरी दी आप, नौकरी कितना दिया, झूठ झूठ बोल दिया। देखिए नौकरी कहाँ दिए, उतना बम्पर नौकरी दिए, बम्पर नौकरी। किसान हमारी देन है, आप मरा देते, कोरोना में बचाया जान इसको हमने। पंचायत सचिवों पे मर्डर लाठी चला है, पूरा लहलुहान है, पूरा चैनल रक्त से, इनके कपड़े से ज्यादा लाल दिख रहा है और पूरा सबके चेहरों से रक्त बिगड़ रहा है। ये हत्यारी सरकार है, दलितों के हत्या करने वाली सरकार है। देखिए बजट ऐसा है मेरे जैसा, समझ में किसी को नहीं आता है। ये बताएंगे क्या कमी है और ये बताएंगे क्या प्लस है। रामेश्वर जी जो बजट दिए, चचा का बजट भतीजा को भाया या नहीं भाया? बिल्कुल मुझे भी भाया और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को भाया, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भाया है। आपको भाया बजट? अब उनको भाया है वो बताएंगे, हमने तो बता दिया कि जो बजट जो है वो लड्डू में वो चांदी का वर्क लगा करके पेश किया हुआ बजट है, केंद्र का सारा माल और मिर्जा खिले होली वाला हिसाब है इनका, पैसा इनका। खाली आप सिल्वर फाइल लपेट के बोल रहे हैं कि हमारा हो गया लड्डू। पैसा किसका? इनका बोल रहे हैं, केंद्र का सारा एयरपोर्ट हमारा पैसा से बनेगा बोल रहे हैं, हम घोषणा कर दिए। ठीक है देखिए, गलती अमर बावरी जी का नहीं है, गलती है कि ये भाजपा में जब से चले गए हैं ना, तब से इनको लग रहा है कि नहीं सबसे अच्छा जो है भाजपा ही है। लेकिन अगर इनके अतीत में आप जाइएगा तो ये सेकुलर है, और सेकुलर का मतलब ये है कि दर्द, दया, वर्क, बिहेव, ये बोल रहा है कि ये बोल के शांत नहीं समझना, इंस्पायर फायर। देखिए इस बजट में अगर आप अध्ययन कीजिएगा, हम तो अभी इनको समय दे रहे हैं, कल हमसे बात कीजिएगा। आप अध्ययन नहीं किए हैं, क्या कमी है बताइए, तो पहले ही बोल रहे भत्ता नहीं दिए, बेरोजगारी भत्ता हमसे पूछिए ना, सब भत्ता दिए हम लोग। आज ये देख लीजिए, आज हमारे जो युवा वर्ग बच्चियां सड़क पर है, और सरकार ने उस पर विशेष फोकस किया है, ध्यान दिया है। पारा शिक्षक आप देख रहे होंगे 18 साल, बावरी जी पहले पारा के पक्ष में थे, जब से भाजपा में गए तब से इन्होंने गोली मरवा दिया पारा लोगों को, फिर हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। पंचायत सचिवों पे मर्डर लाठी चला है, पूरा लहलुहान है, पूरा चैनल रक्त से, इनके कपड़े से ज़्यादा लाल दिख रहा है और पूरा सबके चेहरों से रक्त बिगड़ रहा है। ये हत्यारी सरकार है, दलितों की हत्या करने वाली सरकार है। देवोतुरी को थाना में बुला करके 4 दिन पीटा, एक दिन पीटने से मन नहीं भरा, 21 तारीख को पीटा, 22 तारीख को पीटा, 23 तारीख को पीटा, 24 तारीख को, जब तक देवोतुरी मर नहीं गया तब तक पीटा। तो आप अत्याचार कर रहे हैं, मतलब मारते मारते मुरा दे रहे हैं। देखिए देखिए, दलितों का सम्मान तो हम लोग करते हैं, तो ये कह रहे हैं आप मुरा रहे हैं। सुनिए ना, दलितों की हितैषी कब से हो गया भाजपा भाई? अमर बावरी हो सकते हैं क्योंकि वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप दलितों को सम्मान किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, इरफान अंसारी ने दिया। इनकी सरकार में कितना दलित मरा है? अत्याचार चिरूडी इन्हीं के क्षेत्र से चालू हुआ, जहाँ दलित परिवार, महादलित तुरी परिवार 2 महीने तक बाहर था, तब जाकर उनको मिला। आज सरकार गोबर खरीदने पे राजी हो गई है। आज भारत सुने, गोबर खरीद रहे हैं आप, और गऊ को पहले पिछला सरकार 50 रुपया देता था गौशाला में, आपका 100 रुपया देंगे, 3 एम्बुलेंस देंगे। आप देखिए ना, गऊ भक्त हैं आप, सुन तो लीजिए, दलित की आवाज बनकर गए थे अमर बावरी, सुनिए ना, दलितों दलित की आवाज, और गौमूत्र का पान करके गौमूत्र, सुनिए ना पहले, दलितों की आवाज बनकर गए थे, ये दलित की आवाज बनकर गए थे साहेबगंज, और वहाँ पर साहबगंज का जो विधायक है आनंद ओझा, इनको घुसने नहीं दिया घर, भले ही वोट के कारण ही क्यों नहीं हो, भारतीय संस्कृति नहीं दिया, एक एक करके बोलिएगा जनता कैसे समझेगा। सुनिए, अनंत ओझा इनको घर में नहीं घुसने, नहीं दिया घुसने। अनंत ओझा जी के घर पे, अनंत ओझा जी के घर पे बैठ करके चाय पी करके नाश्ता करके साथ में एक थाली, कैसे बोल रहे, थाली में खाए। सुनिए, जिस दिन, सुनिए सुनिए, जिस दिन भाजपा के लोग, अगर इधर
दलित सभी लोग खा करके सब केवल अपमानित, केवल फोटो खिंचाने के लिए। अगर जितने भी भाजपा के नेता दलित घर में जाते हैं खाना 5 स्टार से मंगवाएंगे। दलितों के घर में भी खाते हैं, अल्पसंख्यकों के घर में भी खाते हैं। प्रधानमंत्री आवास दलितों को भी मिलता है तो अल्पसंख्यकों को भी मिलता है। आज एक खुशी इस बात की है पूरे बजट में कि सरकार जो पहले चंदन और आंबेडकर आवास किसने लागू किया, अमर बावरी ने रघुवर दास जी की सरकार में आंबेडकर आवास चालू किया था। दूसरी बात, यही सरकार आप पहले तिलक और चूटी से आप जो है ना पहले भागते थे। अच्छा, आज गोबर खरीद रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गोमूत्र का भी पान करेंगे और उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। ये अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति संस्कार को आप एक्सेप्ट। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा सुन लीजिए, अमर बावरी का डर है कि आप गोबर खरीद रहे हैं या फिर गौ के पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं, गौ के लिए एम्बुलेंस दे रहे हैं, कि आप लोग को सचमुच लगा हृदय परिवर्तन की गौ की सेवा से 24 में फिर से सत्ता में आएंगे? देखिए दलितों का सम्मान हम करते हैं। अरे दलित में गौ का बात हो रहा है? अरे सुनिए ना, अभी देखिए 6,000 आवास हम लोग खान अंसारी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। सुनिए दलितों का सुनिए, पल क्या है महीने तक हो दलितों को सुनिए, दलित देखिए दलित लोगों, देखिए आरएसएस के लोग थे, सुनिए आरएसएस देखिए, ये भाजपा के लोग मुद्दा नहीं मिला, आरएसएस को लोगों को बोलता दलित है, ये हो सकता है क्या? जब ये भागे हमारे पास वो परिवार आया, बोला सर हम लोग इतना बड़ा पाप हो गया, हम लोग भाजपा के बहकावे में चले आए और कहा कि तुम लोग धरना दे दो, मधुपुर चुनाव है उसका लाभ हमको मिल जाएगा। इस तरह से दलित का अपमान मत कीजिए आप लोग। आप सुनिए, आप इधर आइए, अगर अनुसूचित जाति आयोग केंद्र सरकार से नहीं आता, अगर यदि हल्लर नहीं आते और जा करके वहां उनको घर में नहीं बैठाते, 1 महीने तक पुलिस के पिकेट बैठा रहा, उसका प्रधानमंत्री आवास लूट लिया था, यही इरफान अंसारी है जो जाके उनको धमकाने की बात कर रहे थे और वही दलित परिवार उनको हटाने का बात कर रहा था। यही सरकार में देवूतरी को मार दिया, संजू प्रधान को सुनिए, आप जो कहे कि अब गरीब को हम 64 लाख गरीब को 1 किलो दाल भी देंगे, कौन वाला दाल दीजिएगा? रहर दाल, चना दाल? ना भाई, दाल 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 है, हम लोग देने का प्रयास तो किए, हिम्मत तो जुटाए। ये लोग क्या किया था? आज हम लोग गरीबों को सम्मान दे रहे हैं तो इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है पेट में? आज देख लीजिए कृषि विभाग में देखिए, हेल्थ में देखिए, और यहाँ तक कि देखिए अब हम पहली बार हमारे माने हमारे डायनेमिक सीएम का विजन है कि हम एविएशन में भी आए, हमारे एविएशन में भी आ रहे हैं हम लोग, हर सेक्टर में भी आ रहे हैं, एजुकेशन सेंटर पूरे स्वास्थ्य में एक एम्बुलेंस लेके आए हैं, एयर एम्बुलेंस, वो भी भाड़ा में। अब उसको किसको लिफ्ट करके जाएगा? यहाँ पे दुमका का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ आपका हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पलामू का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आपने चालू किया? यहाँ एम्स आया है, एम्स में आपको गर्व होना चाहिए, आपके आँख की किरकिरी क्यों है? आज एम्स के संस्थानों को क्यों नहीं बेहतर किए? एयर एम्बुलेंस देके आप बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में क्रांति कर। देखिए भाजपा के सरकार में कभी दलितों का सम्मान नहीं किया, फिर दलित हो गए। हम बजट पर बात कर रहे हैं तो दलित क्या किया है? आज दलित इरफान अंसारी से क्वेश्चन करता है आदिवासी के लिए। सुनिए आदिवासियों के लिए हम लोगों ने देखिए अभी स्कॉलरशिप दिया, हमारे बच्चे, हमारे स्थानीय बच्चे, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, हाँ ठीक है गुरुजी क्रेडिट कार्ड समझ गए, रुकिए हमारे स्थानीय बच्चे जिसको दलित को आदिवासी अल्पसंख्यक को लोन नहीं मिलता था, आज हमारी सरकार ने उनका केयर किया, आज हमारे दलित विदेश भी पढ़ सकेगा, आज हमारे आदिवासी बच्चा भी पढ़ सकेगा, आज हमारा अल्पसंख्यक मुसलमान बच्चा भी विदेश पढ़ सकेगा, ये सपना ये सोच हमारी सरकार का है। ये लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड से साफ निकलेगा ना, बैंक निकलेगा, इससे पता चलेगा ना कितना पैसा निकलेगा क्रेडिट कार्ड से, कितना मिलेगा इसकी घोषणा करेंगे। दूसरी बात सुनिए, ऐसे नहीं लूटिए, नहीं सुनिए, बोलिए, बोलने दीजिए, बोल रहे हैं 2 साल में पूरा शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर गया, वो शिक्षा व्यवस्था कहीं पूरी ठप हो गया सरकार। पहली बार ये लोग विदेश भेजा, आप लोग भेजे थे बच्चा लोग को घुमाते थे ट्रेन से, ये बोल रहे हैं और आप बोले गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, बच्चा को पैसा का कमी, प्रधान बता रहे हैं जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है उसको 6 गुना बढ़ा करके 6,000 करोड़ रुपया ये भारत की सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दलितों के बच्चों के लिए, आदिवासियों के बच्चों के लिए किया था। ये योजना सरकार यहाँ स्टार्ट नहीं कर रही है, जहाँ पे बाहर के फेलोशिप में भी जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ के लिए भी, ये यूक्रेन से पढ़ के आए हैं डॉक्टरी बनकर के, यूक्रेन के बारे में पता चल गया ना कैसा डॉक्टर पढ़ने जाता है, यही उसी का प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं,
मेरा सुनिए ना, ये जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपना छाप मत छोड़िए। आप भाजपा में चले गए तो सुनिए, आप ये देखिए, आप कह रहे हैं अगर हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो कहते सांप निकलेगा, बैंक निकलेगा, ये तमीज से बात करेगा क्या? आप इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? आप पढ़े, मेरी बात सुनिए, हमारे बच्चे अगर स्कॉलरशिप लेंगे तो वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। अब क्या बात करें, उल्टा पुल्टा बोल रहे, 6,000 करोड़ रुपया का स्कॉलरशिप खा गए आपको बता रहे हैं। पिछले बजट में 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछले बजट में आपने एलोकेशन दिया था कि नहीं दिया था, पूछिए। वो बजट कहाँ खत्म कर दिया? ओ कहाँ चला गया बेरोजगारी भत्ता? क्यों सुनिए, देखिए सुनिए ये क्या किए थे कमल क्लब, यहाँ के युवाओं के साथ। देखिए क्या बोलता, ताड़ी बचेगा, बोलिए सुनिए, ताड़ी बचिएगा। बीजेपी वाले को ताड़ी बचवाएंगे हम। अब सुनिए, सुन लीजिए ना, अभी देखिए दलित चला गया, इतना हल्का अपने आप को, कोई बात बोले दलित से जोड़ देता है। नहीं, गलत है, ये गलत नहीं, लेकिन उनका सवाल का जवाब दीजिए, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं पढ़े लिखे बच्चों को कि मूर्ख कर दिया? सुनिए, हम बात कर रहे हैं, पूरा बोलिए, अरे पूरा बजट से आप पैसा गायब कर दिए बेरोजगारी भत्ता का, अब बोल रहे हैं कि मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो। इरफान अंसारी क्रेन पढ़ सकता है क्योंकि एमएलए के घर का बेटा है, एमएलए बाबूजी एमपी थे, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं। सुनिए बाबा, देखिए बाबा, अभी हमारी सरकार आप देख रहे होंगे, ये जिस तरह से किए ये लोग भाजपा के सरकार शासन काल में क्या किए, युवाओं के साथ ठगा ये लोगों ने, जो हमारे खेल प्रेमी उनको ठगा, कहा कि कमल क्लब देंगे, घर देंगे, आवाज देंगे, रोजगार देंगे। अरे भाई कहाँ गया कमल क्लब? क्यों ठगते हैं? क्यों ठगा आपने लोगों को? आपने बेवकूफ बनाया अपने लोगों को, बात करते उल्टा पुल्टा। अभी हम लोग देखिए सबको दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, हर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो, अभी हम लोगों ने सबकी नियुक्ति हम लोग बौछार कर रहे हैं, नौकरियों का हम अंबार कर रहे हैं। अब बात करते हैं, आप दलित है मतलब हर चीज दलित से मत जुड़ा दीजिए, बता दे रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं आप, कहाँ नौकरी का बंपार कर दीजिए, कितना नौकरी दी आप, नौकरी कितना दिया, झूठ झूठ बोल दिया। देखिए नौकरी कहाँ दिया, उतना बम्पर नौकरी दिया, बम्पर नौकरी, किसान को दिया इन लोगों ने पैसा, सारा आरएसएस के कार्यकर्ताओं के क्रेडिट में पैसा भर दिया। गुस्सा तो है, आक्रोश तो है यहाँ के लोगों में, इसलिए नियुक्ति मैं तो कहूंगा नहीं नियुक्ति वर्ष को लेकर नौकरी नहीं, नियुक्ति वर्ष को कौन बोला था? कौन? अमर बावरी बोले थे, झूठ बोले। अगर अमर बाबू यहाँ जिंदा है, तो हमारी देन है, आप मरा देते, कोरोना में वैक्सीन लेकर क्या है, कोरोना का वैक्सीन लेकर क्या है? कमल क्लब को ही सिद्धू कानू क्लब करके चलाने वाले हैं, JSSPS जो जहाँ से बच्चे हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना देख रहे थे, उसको बंद करके ये पूरी तरह से ये शोषित करने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, उसको प्रसरे देने वाले लोग हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये हल्ला करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय संस्कृति को आज जिंदा किया है, जो लोग कोट के ऊपर पहले अंदर नहीं पहनते थे, कोट के ऊपर जो जनेऊ पहन रहे हैं, जो तिलक लगा करके घूम रहे हैं, वो आज गोबर खरीद रहे हैं, कल वो गौमूत्र का भी पान करके भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा दे। तुमने तैयारी कहाँ से की? LIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRBPO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRBPO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूँ कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.